Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So, this video is for all those students who are preparing for their CVD exam and IP entrance. Uh, तो यहाँ पे हम लोग आपके जो सी ई के बेसिस पे इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर द पी वाई क्यूज ऑफ द सी ऊटी आपको पता है ये जो न्यू पैटर्न से हमारा एग्जाम कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ है दैट जी एस जी के एंड देन सॉरी जनरल टेस्ट वाला पोर्शन एंड आपका डोमेन वाला पोर्शन ये लास्ट टू ईय से हुआ है सो so, एक पैटर्न का आइडिया लगा पाना थोड़ा सा कई बार मुश्किल हो जाता है एंड हमेशा हमें एग्जाम की तैयारी पैटर्न बेस्ड एंड द पी वाई क्यूज बेस्ड ही करनी चाहिए जिससे कि हम मेक श्योर कर पाएं कि दैट वी आर गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन राइट right, हम को एक राइट पाथ फॉलो करके तैयारी कर रहे हैं तो द बेस्ट वे टू डू दैट इज टू प्रैक्टिस एमसीक्यू एंड एमसीक्यू के मतलब मॉक क्वेश्चन करने के साथ साथ द बेस्ट वे इज टू डू द पीवाई क्यूज सो जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास अवेलेबल हैं लास्ट आपके टू इयर्स के आई एम गोइंग टू कवर दैट इन सम पार्ट्स हम कुछ पार्ट्स में उन पीवाई क्यूज को कंप्लीट करेंगे एज यू ऑन लो कि आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है सीवीटी की मैं आईपी की डेट्स ऑलरेडी आउट है बट सीवीटी की मैं बात करूं तो आपका फिफ्टींथ ऑफ मे को जनरल टेस्ट का एग्जाम है आपको ओ एम आर शीट पर वो एग्जाम देना पड़ेगा एंड वो सबका एक ही स्लॉट इस बार रहने वाला है ऐसा नहीं है हर स्टूडेंट को अलग अलग जनरल टेस्ट का स्लॉट मिलेगा तो जो आपका पेपर रहने वाला है दैट विल बी सेम फॉर ऑल द स्टूडेंट सो अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए आप लोग पीवाई क्यूज की वीडियो देखेंगे कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इसकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम एजुकेशन हॉटस्पॉट के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा सो so दैट बाद में भी, भी आप रिवाइज कर सके इन क्वेश्चन को आपके पास अवेलेबल रहेंगे देन यू विल बी एबल टू रिवाइज दिस सो कुछ पार्ट में हम इसको कवर करते हैं साथ के साथ ही हम लोग आईपी के पीवाई क्यूज भी इसी तरीके से कवर करेंगे एंड इफ यू वॉन्ट तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे और इसी बेसिस पे पीवाई क्यू बेसिस पे मैं मल्टीपल मॉक्स मॉक क्वेश्चन आप लोगों के साथ कवर करूंगी बिफोर योर एग्जामिनेशन पंद्रह को एग्जाम से पहले हम लोग बहुत सारे मॉक क्वेश्चन कवर करेंगे राइट सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड यू कैन टेल योर रिव्यू और योर फर्दर रिक्वायरमेंट इन द कमेंट बॉक्स आपको और मॉक टेस्ट चाहिए या फिर uh, मॉक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं सो so, वीडियो को एंड तक देखिए एंड इफ यू आर न्यू टू न्यू टू द चैनल देन डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आप लोगों को फर्दर वीडियोज uh, है वो भी टाइम टू टाइम मिलती रहे और बेलाइकन प्रेस कर देना सो दैट यू विल भी एबल टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोज सो वॉच द वीडियो टिल द एंड Uh, so here is the list of the PYQs of your CUET exam. As I already mentioned you कि ये exactly आपके previous year में आए हुए क्वेश्चन है मैं अपनी तरफ से कोई चीज़ फ्रेम नहीं कर रही हूँ ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे वही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कुछ पार्ट्स रहने वाले हैं इस uh, particular series के PYQs वाई क्यूज़ के जिसमें हम सारे पी वाई क्यूज जितने मेरे पास अवेलेबल हैं उतने कवर कर लेंगे एंड इफ़ यू गाइज वॉन्ट तो मैं इस तरीके के कुछ मॉर्क्स क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगी अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो देखिए यहां पे क्या बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू आप लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करेंगे ये लोग जो नाम दिए गए हैं इस साइड नोबल प्राइज विनर्स के दिए गए हैं और ये है एरियाज सबसे पहली बात तो ये समझो दिस क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड टू करंट अफेयर नोबल प्राइज दिए हुए हैं कुछ नाम है और इनकी फील्ड है नोबेल प्राइज कुछ सेलेक्टेड फील्ड में दिया जाता है सबसे पहले तो आप लोग तो फील्ड याद कर लो देखो चार तो लिखी है फिजिक्स हो गया इकोनॉमिक्स हो गया लिटरेचर हो गया पीस हो गया देन आपकी केमिस्ट्री हो गई राइट एंड मेडिसिन हो गई इन छह फील्ड में आपका नोबेल प्राइज दिया जाता है मैथ्स की फील्ड में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द टॉपिक इंडियंस इन द नोबेल प्राइज कौन कौन इंडियन है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है कुछ सिलेक्टिव नोडस नाम है तो आपको वो याद कर लोगे तो दैट विल बी बेटर राइट उसी से ये क्वेश्चन सीवीटी में पूछा गया जो मैंने क्लास में मोस्टली आप लोगों को पढ़ाया भी है सो so, यहाँ पे आप लोग देखेंगे दैट सीवी रमन को मिला है फिजिक्स की फील्ड में रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन और एशियन जिन्हें नोबल प्राइज मिला था इंडिया में से पहले व्यक्ति और इवन पूरे एशिया में से पहले व्यक्ति तो टेगोर पीस से हम मार्क करेंगे कैलाश सत्यार्थी यंगेस्ट इंडियन है जिन्हें सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी लिटरेचर मार्क करेंगे टैगोर लिटरेचर मार्क करेंगे कैलाश सत्यार्थी वॉज द यंगेस्ट इंडियन जिन्हें नोबल प्राइज मिला राइट यंगेस्ट इंडियन नॉट यंगेस्ट यंगेस्ट आउट ऑफ ऑल पूछे तो दैट वॉज मलाला यूसफ बट यंगेस्ट इंडियन में हमारे पास कैलाश सत्यार्थी नाम है जिनका फील्ड uh, पीस है एंड अभिजीत बेनर्जी का फील्ड है इकोनॉमिक्स तो अब आप मैच कर लो ए का थ्री ए का थ्री देखो एक ही ऑप्शन में है वैसे तो टैगोर भी पता था डी का अगर आपको टू भी पता था तो डी का टू दो, दो जगह है तो आपको कन्फ्यूजन होती बी का फर्स्ट एंड सी का फोर्थ सो दिस विल बी द आंसर क्लियर ये आंसर हो गया हमारा डायरेक्टली सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया लेट मी मार्क दिस फॉर यू सी विल बी द आंसर डन पीडीएफ में टेलीग्राम पे दे दूंगी जैसे मैंने आप लोगों को बताया अभी पहले क्वेश्चंस पे हम लोग ध्यान लगा लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द रेट एट विच बैंक्स पार्ट शॉर्ट टर्म एक्सेस लिक्विडिटी विद आर मतलब आप आर के पास कुछ अमाउंट जो है वो रख मतलब रख रहे हो आर के पास आरबीआई के पास आपके पास जो पैसा आता है आपके पास जो डिपॉजिट आता है आप उसका कुछ अमाउंट आरबीआई के पास रख रहे हो जैसे होता है ना हमारा कोई रिलेटिव हमें एक्स्ट्रा पैसे दे गए तो हमने मदर के पास रखवा दिए कुछ पैसे की कुछ हमें दे दो वैसे तो कोई नहीं रखवाता आजकल बट ठीक है हमने बोला कि अगर कोई दो हजार रुपए देके गया आप हमें पांच खर्चे के लिए दे दो बाकी पंद्रह आप रख लो जब हमें रिक्वायरमेंट होगी हम मांग लेंगे तो आपने वो मदर के पास रखवा इसी तरीके से बैंक आरबीआई के पास जब पैसे रखवाते हैं तो वो कहलाता है आपका कैश रिजर्व रेशियो क्या कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो क्लियर जब बैंक आरबीआई के पास पैसे हैं दैट इज नोन एज कैश रिजर्व रेशियो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड वेरी इजी टू डू क्वेश्चन अगर पढ़ी हुई है चीजें नेशनल फ्लैग किसने डिजाइन करा था इंडिया का सीधा सीधा आंसर है पिंगाली वेंकैया नेशनल फ्लैग किसने डिजाइन करा था पिंगाली वेंकैया आइडल रेशियो हमारे नेशनल फ्लैग की क्या होती है थ्री होती है चलिए आगे मूव करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज वेदांग्स देखिए इनमें से वेदांग्स किसे कहते हैं मैं आपको पहले वेदांग्स के नाम बता देती हूं फिर हम इसमें आंसर्स आंसर जाएंगे आप लोग चाहो तो अपने पास लिख सकते हो वेदांग्स के नाम छह वेदांग्स हैं हमारे टोटल जैसे वेद ये सब होते हैं ना तो वेदांग्स में हमारे पास छे हैं जिसमें एक है आपका शिक्षा राइट एक है आपका कल्पा शिक्षा कल्पा देन है हमारे पास ज्योतिष ज्योतिष देन है हमारे पास छंद, छंद होते हैं देन हमारे पास है व्याकरण राइट व्याकरण एंड एक हमारे पास है निरुक्ता निरुक्ता, ये छे होते हैं इन छे में से आप देखो यहाँ ऑप्शन में कौन कौन से दिए गए हैं कल्प है बिल्कुल राइट आयुर्वेदा है आयुर्वेदा आप देखो यहाँ पे आयुर्वेदा भी हमें दिख तो नहीं रहा है शिक्षा कल्प ज्योतिष छंस व्याकरण निरुखता तो व्याकरण है ज्योतिष है मनुस्मृति और आयुर्वेदा मैंने इन छे में नहीं लिख पाया है तो इन छे में देखो ए सी एंड ई कहीं ऑप्शन में है बिल्कुल मिल गया ए सी एंड ई सी ऑप्शन ये करेक्ट हो गया डन चलिए आगे बढ़ते हैं मैच द लिस्ट बुक्स एंड ऑथर कई बार आ जाते हैं देखो अलग अलग तरीके की कई बार एक दो भी पता हो तो भी आप आंसर पे पहुंच जाते हो तो इसमें सीधा हम डायरेक्ट बात करते हैं अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन स्मृति जुबीन रानी स्मृति रानी की जो बुक है दैट वाज व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक लाल सलाम

Uh, अगर आप देखो बी का सेकेंड है तो बी का सेकेंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर हो गया राइट right? आपका करेक्ट आंसर हो गया सॉरी 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 जस्ट गिव मी अ सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो गया बी राइट इन दैट केस ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपका करेंट करेक्ट आंसर हो गया बी आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू सीधा सीधा क्वेश्चन है एजेंसीज के नाम है हेडक्वार्टर है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू कवर आपको सारे याद करने ही करने हैं यहाँ पे देखो सबसे पहले लिखा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मैंने याद भी कराया हुआ है आप लोगों को डब्ल्यू टी ओ डब्ल्यू एच ओ डब्लू एम ओ या फिर आपसे इसके साथ एक और याद कर लो आई एल ओ इनमें से किसी का भी हेडक्वार्टर पूछेगा दैट इज इन जेनेवा स्विट्जरलैंड ओके आई एम एफ एंड वर्ल्ड बैंक का वॉशिंगटन डीसी में है यूनेस्को का पैरिस फ्रांस में है तो अगर आपको यह एक याद नहीं भी था यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन तो सीधा सीधा एक ही ऑप्शन में तो देखिए तो तो कितने विचित्र से डेज पूछे वैसे हम नॉर्मली एनवायरमेंट डे ओजोन डे योगा डे लेबर डे वुमस डे याद करके जाते हैं बट यहाँ सीवीटी ने एक पर्टिकुलर सेट में लास्ट टाइम एलिफेंट डे लॉयन डे पूछ लिए थे तो चलिए देख लेते हैं पेपर जो फर्स्ट टाइम मतलब आप देखोगे तो ऐसे कोई याद नहीं करके जाता बट क्वेश्चन थे तो एंड डे आता है आपका टेंथ ऑफ अगस्त को एलिफेंट डे हमारा आता है बारह अगस्त को मॉस्किटो डे आता है हमारा बीस अगस्त को एंड डॉग डे आता है छब्बीस अगस्त को तो जस्ट मैच दिस ए का आपका है टू बी का आपका है थ्री ए का टू बी का थ्री अगर हम देखें तो आंसर नंबर सी हो गया करेक्ट क्लियर लेट्स प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन नंबर एट देखिए ये जो है ना प्राइस ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा था 2021 लिख के करंट अफेयर तब का था लेकिन मैं अब 2021 के नाम आपको क्यों याद कराऊंगी मैं ये प्राइस इस बार किसको मिला है वो मैंने क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया है क्लियर मैंने क्वेश्चन में ईयर एंड ऑप्शन चेंज कर दिया उन्होंने उस साल के करंट अफेयर के बेसिस पे पूछा था और मैं इस ईयर के करंट अफेयर के बेसिस पे आपको क्वेश्चन दे रही हूं ये डैन प्राइज उसने बता दिया एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए देते हैं राइट फॉर लर्निंग आउटकम इन स्कूल एट स्केल हैज़ गिवन टू ये किसको मिला है तो मैं सीधे सीधे आपको नाम बताती हूँ ये प्राइस ऑथर्स ये सब नाम होते हैं फैक्ट चीज़ जो हमें याद करनी है तो यहाँ पे हमारा आंसर है ये मिला है आपका मिचलें एंड शायर शेफ़ तो ये ए एंड बी आंसर हो गया ए एंड बी नेक्स्ट पूछा गया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 का बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड ऑस्कर अवार्ड ये सब इंटरनेशनल फिल्म्स के लिए अवार्ड दिए जा रहे हैं राइट फिल्म टेलीविजन इंटरनेशनल लेवल पे तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट एक्टर जो मिला है वो मिला है फॉर द मूवी ओपन हाईमर दैट इज सिलियन मर्फी क्लियर ओपन हाई मूवी के लिए मिला है क्वेश्चन नंबर डैश परसेंटेज ऑफ द टोटल सर्फेट सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर अब इफ यूल गूगल दिस ना यू विल आपको देखने को मिलेगा सेवेंटी वन परसेंट सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड अप्रोक्सिमेट आंसर हेयर इज सेवेंटी वन पॉइंट सिक्स परसेंट देन क्वेश्चन आ गया प्रॉम्सटैंड फॉर बहुत से बच्चों को बहुत डायरेक्टली पता होगा इट इज नॉट दट काइंड ऑफ मुश्किल क्वेश्चन एट ऑल ये बहुत आसान क्वेश्चन है दट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी म और रोम थ्रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी इलेवंथ का हो गया ए सही ट्वेल्थ पे चलते हैं डैश इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो हम किसको बोलते हैं नेफ्रॉन को याद रखना किसको बोलते हैं नेफ्रॉन को लाइट की 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 स्पीड की बात जाए कहानियां नहीं बता सकती और की कहानी जाननी भी नहीं है, कभी खत्म भी नहीं कर पाओगे तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट किडनी की स्पीड 3 10 की पावर एट मीटर पर सेकेंड देन इज द फर्स्ट मैन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ये क्वेश्चन है राइट विदाउट ऑक्सीजन है यहां पे यहां पे द वर्ड इज विदाउट ऑक्सीजन ये चीज आपको ध्यान रखनी है देखिए जो फर्स्ट गए थे ना वो वैसे गए थे आपके एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नॉर्वे नॉर्गे आपने सुना होगा एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नॉर्गे गए थे बट दे आर विद सपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन यही क्वेश्चन में कैच है आप तेंजिंग नॉर्वे वगैरह देखोगे देखो आप क्लिक कर दोगे ए और हमारा जो हिलारी ए भी है यहाँ पे ऑप्शन बट अगर मैं कहूँ ये तो दोनों ही फर्स्ट फर्स्ट में नाम है इन दोनों का बट यहाँ पे आप देखो उसने वर्ड ऐड कर दिया विदाउट ऑक्सीजन दिस इज द कैच तो विदाउट ऑक्सीजन जाने वाले विदाउट सप्लीमेंट जाने वाले जो पर्सन थे दैट वॉज मैसनर एंड हैडबर राइट ये दो लोग गए थे ये ध्यान रखना है देन वी हैव अरेंज दीज स्टेट्स एंड यूटी टू लिटरेसी रेट फ्रॉम द बॉटम फ्रॉम द बॉटम सबसे कम किसका है से सबसे ज्यादा आपको नीचे से ऊपर जाना है देखो अब इस काइंड के क्वेश्चंस अगेन आपके पास ऑप्शन आता है छोड़ने का तो कुछ क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो अगर चीजें ना पता हो बट चलो हम वर्क करते हैं इस चीज पे अच्छा ये देख के नाम हमें पता है कि केरल की सबसे ज्यादा होगी तो केरल इस हिसाब से सबसे, सबसे लास्ट में आना चाहिए ना सी सबसे लास्ट में आना चाहिए ना राइट सी सबसे लास्ट में आना चाहिए कि नहीं इस हिसाब से देखिए आप तो अगर आप देखेंगे कि केरल सबसे लास्ट में है क्योंकि अकॉर्डिंग टू लिटरेसी रेट फ्रॉम द बॉटम आपको करना है तो सबसे कम फिर उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा तो टॉप पे तो नो no डाउट केरला ही होगा जिसकी सबसे ज्यादा है अब आपका किसी की कितनी भी हो अच्छा इन्होंने लिखा भी नहीं है कि ये सेंसस के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं क्या 2011 की सेंसस या किसके बेसिस पे आप पूछ रहे हो आपने कुछ एक्यूरेसी तो दी नहीं है लेकिन मुझे ये पता है कि हाँ केरला की क्या हो सकती है केरला की आपकी सबसे uh, टॉप पे होगा तो टॉप पे होगा लेकिन अगर ये टॉप से कहते हैं तो सी सबसे पहले आता लेकिन अगर ये बॉटम से कह रहे हैं तो सी सबसे लास्ट में आएगा तो क्या इस क्वेश्चन में आपको सारी चीजें याद होनी जरूरी थी नॉट एट ऑल बहुत स्मार्टली आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे अगर आपको ये पता है कि हाईस्ट लिटरेसी रेट केरला का है वो सारी यूटी नहीं दे रहा उसने मिक्स दिया है कुछ स्टेट के नाम और कुछ यूटी के नाम तो इस केस में तो बहुत ईजिएस्ट क्वेश्चन था ये आई विल से बाकी क्वेश्चन से भी ज्यादा ईजीएस्ट था ये क्योंकि केरला की हाइएस्ट लिटरेसी हम सबको पता है सो उस बेसिस पर हम इस आंसर पर पहुंच गए

देन ऑल्सो यू कैन मेन्शन इट इन कमेंट बॉक्स एंड अगर क्वेश्चन समझ में आयो देशन इट इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन सब्सक्राइब दिस एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो सो दट मैक्सिमम पीपल कैन वॉ एंड प्रिपेयर विद दिस कंटेंट सो दैट्स ऑल थैंक यू एवरी